आप देख रहे हैं झारखंड की महत्वपूर्ण और ताज़ा खबरें। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें और अगर आप इस न्यूज को जिस भी प्लेटफॉर्म में देख रहे हैं उसे फॉलो और लाइक जरूर करें। झारखंड में 12 जिले जहां पर 40 डिग्री से ज़्यादा तापमान दर्ज किया गया है। झारखंड में तापमान बढ़ रहा है। इस बीच चक्रवात मोचा की खूब चर्चा हो रही है। चक्रवात का झारखंड में कितना असर पड़ेगा, क्या तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी? मौसम विभाग ने बताया कि संताल इलाके में इसका थोड़ा असर हो सकता है, कहीं कहीं तापमान में थोड़ा गिरावट भी दर्ज किया जा सकता है। कई राज्यों में तूफान को लेकर चेतावनी जारी की गई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के बागी विधायक लोबिन हेमरम ने एक बार फिर अपनी ही सरकार पर निशाना साधा। हेमंत सोरेन को चेतावनी देते हुए कहा कि 30 जून को विस्फोट होगा। लोबिन ने कहा, मुख्यमंत्री अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। पार्टी ने चुनाव से पहले CNT SPT एक्ट, पेशा कानून और 1932 के खतियान का वादा किया था। सत्ता में आते ही इन वादों को भूल गए। शिबू सोरेन जिन उद्देश्य को लेकर चले थे, पार्टी उसे ही आगे नहीं बढ़ा रही है। झारखंड में जल जीवन मिशन की रफ्तार सुस्त है। मार्च 2024 तक झारखंड के 61.20 लाख घरों में नल से स्वच्छ जल पहुंचाने का लक्ष्य है, लेकिन 4 साल में 20.41 लाख घरों तक ही पानी पहुंचाया गया है। देश में इस योजना का राष्ट्रीय आंकड़ा 61.03% है। इसके मुकाबले झारखंड का औसतन 33.4% है। राज्य की बात करें तो सबसे ज़्यादा रामगढ़ में 61.02% काम हुआ है, जबकि पाकुड़ 8.70% के साथ सबसे पीछे है। 15 अगस्त 2019 से जल जीवन मिशन की शुरुआत हुई थी। रांची से उड़ने वाली फ्लाइट का किराया आसमान पर पहुंच गया है। जिस रांची दिल्ली फ्लाइट का न्यूनतम किराया 4,000 रुपये था, वो अभी 17,000 तक पहुंच गया है। जानकारों का कहना है कि किराया बढ़ने के मुख्य वजह विमान सेवाओं की संख्या में कमी होना है। यहाँ से एयर इंडिया और स्पाइट जेट की विमान सेवा लगभग 1.5 साल से बंद है, जिसका फायदा इंडिगो एयर एशिया और गो एयरवेज ने उठाना शुरू कर दिया है। बढ़े हुए किराए में अंतिम कील गो एयरवेज ने अपनी बुकिंग बंद कर ठोक दी थी। इसका असर अब यात्रियों की जेब पर दिखने लगा है। विशेष तौर पर रांची से महानगरों का विमान किराया आसमान छूने लगा है। रांची शहर के केंद्र से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सुकुरहुट्टू गौशाला में सेब की खेती की गई। शुरुआत में यहाँ 5 कट्ठे जमीन पर 99 वेराइटी के 31 सेब के 2 साल पहले पौधे लगाए गए थे। अब इसमें सेब तैयार हो गए हैं। 1 महीने में सेब पूरी तरीका से तैयार हो जाएगी। एक पेड़ में 40 से 50 फल निकले हैं। अभी सेब हरे रंग का है, जब यह पूरी तरीका से तैयार हो जाएगा लाल और हल्के रंग में नजर आएंगे। यह बताते हुए गौशाला के कृषि सलाहकार और रिसर्चर निर्मला कृष्णा चंद्रा ने कहा कि रांची की मिट्टी अम्लीय है, यदि इस वैरायटी के सेब की खेती की जाएगी तो किसानों की आमदनी काफ़ी बढ़ जाएगी। उन्होंने कहा कि रांची में अभी तक सिर्फ सुरहुट्टू गौशाला में ही सेब की खेती की शुरुआत हुई है। उन्होंने बताया कि यह सेब के पौधे हिमाचल से मंगवाए गए हैं। झारखंड में मिशन 2024 के लिए भाजपा माइक्रो लेवल पर प्लानिंग कर रही है। बूथ शक्तिकरण के बाद अब विस्तारकों की नियुक्ति हो रही है। ये विस्तारक भाजपा के मेरुदंड बनेंगे। सभी संसदीय और विधानसभा क्षेत्र में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। संसदीय क्षेत्र के लिए 14 और विधानसभा क्षेत्र के लिए 81 युवाओं का यह दायित्व दिया जाएगा। वर्तमान में नियुक्त 12 विस्तारकों का बिहार के वैशाली में 2 दिवसीय प्रशिक्षण मंगलवार को समाप्त हुआ। इसमें प्रदेश संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह और लोकसभा प्रसारण योजना के प्रदेश संयोजक सरोज सिंह भी थे। संगठन को कैसे मजबूत करें तथा कैसे विस्तार करें, इस बारे में विस्तार से भी बताया गया इसमें। गर्मी के अटैक से राजधानी के लोग परेशान हैं। अधिकतम तापमान में 2 डिग्री की बढ़ोतरी के साथ 36.6 डिग्री से 38.6 डिग्री पर पहुंच गया है। राजस्थान और यूपी की ओर से आ रही गर्म हवाओं ने लोगों को तेजी से बीमार करना शुरू कर दिया है। स्थिति यह है कि रिम्स सदर समेत शहर के सभी अस्पतालों में गर्म हवा के थपेड़ों से बीमार लोगों की संख्या में अचानक काफ़ी बढ़ोतरी हो गई। इसमें बच्चों की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा है। जमशेदपुर विमेंस यूनिवर्सिटी में शिक्षा और MBA विभाग द्वारा संयुक्त रूप से सड़क सुरक्षा से संबंधित एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मौके पर VC डॉक्टर अंजिला गुप्ता ने कहा, प्रायः हम सभी ऐसे संलोगन देखते हैं कि गाड़ी धीरे चलाएं, अपना मूल्य जीवन बचाएं, किंतु बहुत सारे लोग ओवर स्पीड के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। यही नहीं, संलोगन दुर्घटना से बनानी है दूरी तो हेलमेट पहनना है जरूरी। फिर भी देश भर में प्रतिदिन हेलमेट नहीं पहनने के कारण हजारों लोग अपनी जान गंवा देते हैं या गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। अर्का जैन यूनिवर्सिटी में मंगलवार को एक्सिस बैंक के असिस्टेंट मैनेजर के प्रोफाइल के प्लेसमेंट
ड्राइव चलाया गया। इसमें एमबीए के स्टूडेंट शामिल हुए। दो राउंड के चयन प्रक्रिया से विद्यार्थियों को गुजरना पड़ा। पहले राउंड में ऑनलाइन टेस्ट एवं दूसरे राउंड में बिजनेस राउंड इंटरव्यू हुआ। इसमें कुल 30 विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। अंतिम रूप से 2 विद्यार्थियों का चयन हुआ। चयनित विद्यार्थियों को 2 महीने का ट्रेनिंग भी दिया जाएगा। पूरे गढ़वा जिला में टीकाकरण सत्र के निगरानी को लेकर एक दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन आज उपायुक्त गढ़वा के सभागार में किया गया। प्रशिक्षण की अध्यक्षता सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल कुमार ने द्वारा किया गया। इस दौरान सभी को संबोधित करते हुए सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल कुमार ने कहा कि टीकाकरण सत्र के मोबाइल ऐप से निगरानी की शुरुआत गढ़वा जिले से हो गई है, लेकिन कोरोना काल की वजह से यहां निगरानी का कार्य शिथिल हो गया था। उसी को देखते हुए उपायुक्त गढ़वा के निर्देशक पर पुनः टीकाकरण सत्र की निगरानी मोबाइल ऐप के माध्यम से करने हेतु निर्देश प्राप्त हुआ। उसी को लेकर आज एक दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन जिले भर में सभी बीटीटी एसटीटी बाल विकास परियोजना के सभी महिला पर्यवेक्षक तथा प्रखंड कार्यक्रम प्रबंधक एवं सभी लेखा प्रबंधक को दिया जा रहा है, ताकि प्रत्येक गुरुवार को शनिवार को होने वाले टीकाकरण सत्र की निगरानी ऐप के माध्यम से सभी लोगों के द्वारा किया जाए। हम आपके लिए लाते हैं झारखंड के सबसे महत्वपूर्ण खबरें। इसी प्रकार के खबरों को देखने और जानने के लिए सब्सक्राइब करें आपके अपने न्यूज़ चैनल JHN News को। धन्यवाद।